इसको ख़ुद से प्रैक्टिस की तो आपके जहन में सवाल आता है कि भाई ये एक्शन के साथ ये एक लिंक लगा हुआ है, अब ये इन्होंने तो एक लिंक लगाया हुआ है लेकिन हम इसमें कौन सा लिंक लगाएं, और ये मेथड जो गेट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो ये जो दोनों एट्रीब्यूट है ना ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, उसका रीज़न ये है कि जब फॉर्म सबमिशन जो है ना, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ फॉर्म वर्क्स, ये वाला कि जी यूज़र फॉर्म फिल करता है, वोट के सर्वर पे जाता है, सर्वर पे उसको प्रोसेस किया जाता है और वहाँ से रिस्पॉन्स आता है वापस। तो ये सबमिट का बटन क्लिक करने से ना ऑटोमेटिक सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाती है, ये पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा फॉर्म उठ के सर्वर पे चला जाता है, ठीक है। और कौन से सर्वर पे जाता है वो, ये है वो सर्वर का एड्रेस, ठीक है, जिसके ऊपर ये जा रहा होता है और गेट के मेथड के ज़रिए जा रहा होता है। अभी गेट का मेथड क्या है जो हम खुद सर्वर लिखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह इसी क्लास में, तो हम ये गेट के मेथड को भी डिस्कवर करेंगे कि क्या है। अच्छा, अब ये इस तरह से जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, हम ये वाला तरीका फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं HTML पहली बात। अभी HTML पढ़ने के दौरान हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्म को हम बनाना सीखेंगे, उसके सबमिशन पे जो सर्वर पे डेटा जा रहा है ना उस पार्ट को भी हम छोड़ देंगे। वो जब हम सर्वर ख़ुद बनाएंगे अपना तो फिर इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि जी फॉर्म हमारे पर बना हुआ होगा, बटन क्लिक करने पे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। अच्छा, तो पहली बात तो ये हो गई। नंबर दो बात कि हम जो इस फॉर्म का डेटा सर्वर पे भेजेंगे वो हम इस वाले तरीके से नहीं भेजेंगे। आया कि भेजा जा सकता है ऐसे भी, ये तरीका अभी भी काम करता है, लेकिन इससे एक बेहतर तरीका हमारे पास मौजूद है जिसको हम कहते हैं एजैक्स रिक्वेस्ट, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कह सकते हैं उसको हम। तो एसिंक रिक्वेस्ट हम लगाएंगे उसके ऊपर, उसके लिए एक लाइब्रेरी है एक्सियोस करके और एक फैच करके, ये दो तरीके हैं जिसके ज़रिए वो भेजा जाता है। तो ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं फॉर्म डेटा, ये वाला जो रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि जी सबमिट का बटन दबाते ही वो पहुँच जाएगा वहाँ सर्वर पर, तो इसको हम कहते हैं फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट। तो फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि हम एसिंक रिक्वेस्ट करें, उसके लिए एक्सियोस या हम फैच का इस्तेमाल करें। तो अब ये एक्सियोस और फैच, ये सारी चीज़ें जब होंगी जब हमारा जावास्क्रिप्ट में हम पहुंचेंगे या हम ख़ुद अपना सर्वर जब बना रहे होंगे, ये जब की बात है, ठीक है। ख़ुद सर्वर बनाने से पहले भी हम ये भेजेंगे इंशाल्लाह फॉर्म, जो कुछ पहले से बने बनाए सर्वर जो हैं, जैसे वेदर के कुछ सर्वर होते हैं जो वेदर का डेटा देते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो सामने से वेदर का डेटा देते हैं। तो मे भी हम जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे होंगे, जब तक हमें अपना सर्वर नहीं बनाया होगा, लेकिन हम किसी का बना बनाया सर्वर हम कॉल करके देखेंगे इस फॉर्म के ज़रिए, ठीक है, एजैक्स वाले तरीके पे, ठीक है, एक्सियोस वाले तरीके पे, ये फॉर्म डेटा वाले पे नहीं करेंगे। तो ये हमें समझ आ गया कि ये दोनों एट्रीब्यूट फ़िलहाल हमें नहीं लगाने, इसको हम रिमूव कर देंगे तो भी ये फॉर्म अपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जी एक्शन जो है वो क्या चीज़ होती है और ये मेथड क्या चीज़ होता है, ठीक है। एक्शन के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये URL होता है एक सर्वर का, जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाह रहे होते हैं, ठीक है। सर एक ये ID करके, अच्छा ID जो है, ID एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको किसी भी एलिमेंट पर लगाया जा सकता है, ठीक है। और ID लगाने का मकसद होता है कि उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। इसको अच्छा यहाँ पे इसने ID कहीं लगाई तो नहीं है, लेकिन जस्ट ऐसे जिक्र कर दिया ID का, ठीक है। वो कह रहा है पेज 183 पे, इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लेकिन ID क्या होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि किसी भी एलिमेंट को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए ना उसको एक ID दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ID जो है वो एक एलिमेंट को जो हम दे देते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट को हम नहीं दे सकते। अभी यहाँ पे होपफुली इसने कहीं लगाई होगी ID, जैसे ये नेम करके इसने दिया हुआ ना, इस तरह हम ID और इक्वल्स टू आगे कोई भी स्ट्रिंग हम लिख के दे सकते हैं, वो उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक ID जो मैंने दे दी किसी को, तो वो मैं किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दूंगा, वो अदरवाइज प्रॉब्लम्स होती हैं फिर। अच्छा, ID का काम ये होता है कि जी किसी भी एलिमेंट को, मुझे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा उसमें हज़ारों की तादाद में एलिमेंट्स हो सकते हैं पोटेंशियली, तो उसमें उन हज़ारों एलिमेंट्स में से मुझे अगर किसी एक एलिमेंट को पिन पॉइंट करके उस एलिमेंट को में कुछ चेंजेस करनी है। अच्छा, अभी तो हम सिर्फ हम HTML लिख रहे हैं ना, अभी सीधा सीधा अभी तो हम बहुत सारे काम हमने नहीं किए। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं आपको एक ट्रेलो करके एक चीज़ है, ठीक है, एक ट्रेलो करके एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इंटरनेट तो हमारा डेड है आज में। वेल, तो उसमें क्या होता है जी कि वो एक बॉक्स बना हुआ होता है, आप उसको बॉक्स को ना ऐसे क्लिक करते हैं इधर, और क्लिक करके जब आप ड्रैग करते हैं ना तो वो आपके माउस के साथ ही वो ड्रैग होता है बॉक्स पूरा,
और वो दूसरे में ले जाके छोड़ते हैं तो वहाँ पे वो जाके रखा जाता है। ठीक है, ट्रेलो नाम है प्लेटफॉर्म का, इसको आप चला कर देखिएगा। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है कि मुझे किसी एक एलिमेंट को पिन पॉइंट करके कुछ करना होता है, ठीक है जी, एक एलिमेंट का मुझे कलर चेंज, मिसाल के तौर पे कोई साइड पे बटन लगा हुआ है जैसे डार्क मोड, अक्सर आपने देखा होगा, तो डार्क मोड को जैसे ही ऑन करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे किसी एक एलिमेंट का कलर चेंज करना है किसी भी एक्शन पे, तो उसकी उसके लिए मुझे आईडी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसी तरह अभी हम फॉर्म जो बनाएंगे ना, तो जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि जी फॉर्म के साथ ना आईडी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो अभी जस्ट इसको एज अ एट्रीब्यूट समझें जब तक हम HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम CSS की तरफ मूव करेंगे ना, क्योंकि CSS इज़ ऑल अबाउट स्टाइलिंग, तो CSS भी हम आईडी के ज़रिए भी लगाते हैं, क्लास एक करके एट्रीब्यूट है उसके ज़रिए लगाते हैं। तो ये दो तरीक़े हैं एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के। वेल, तो ये जो टॉपिक है ना आईडी और क्लास, और तो ये CSS के अंदर एक हमारे पास टॉपिक आएगा सेलेक्टर्स, तो वहाँ पे भी ये बात डिटेल में डिस्कस होगी कि जी ये आईडी क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो इन्होंने एक इनपुट यहाँ पे बना दिया जिसकी टाइप इन्होंने रख दी टेक्स्ट, और इसके ऊपर इसने एक लगाया है नेम। अच्छा, फॉर्म के अंदर जो है ना जितने भी इनपुट्स होंगे, ठीक है, इस फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान ये जितने भी इनपुट्स होंगे, इसको ना मुझे नेम देना ज़रूरी है। नेम देने से क्या होता है कि जब मैं इसको सबमिट करूँगा ना सर्वर पे, तो मैं इसी नाम से करूँगा, ठीक है, बावजूद इसके कि जो हम एजेक्स वाला तरीका अब करते हैं ना, उसमें ये नेम हम ना भी दें तो हमारा काम फिर भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ये नेम हम दे दें तो ये ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, टाइप इन्होंने रखी है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अलावा और कौन कौन सी टाइप्स है वो अभी हम देखते जाएंगे थोड़ी देर में। साइज़ इसका रखा है 15 इन्होंने। साइज़ 15 रखने का मतलब ये कि अच्छा, ये तो आप लोगों ने करके देखा हुआ है, कौन मुझे बताएगा कि साइज़ 15 जो है इससे क्या होगा, इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा कम करूँगा तो एक्चुअल में होगा क्या? हाँ भाई, चेंज करके तो देखा होगा ना वैल्यू को, साइज़ 15 30 तो लेंथ है इसकी। हाँ, 30 तो लेंथ है इसकी, मैक्स लेंथ, अभी ये छोड़ो मैक्स लेंथ, अभी साइज बताओ पहले, तो मैक्स लेंथ क्या है वो भी बताओ। सर, साइज पे मैं बता दूं, ये वो पूरा वो सर इसका पूरा एरिया का 15 अल्फाबेट लेगा ये साइज में, मेरा काम नहीं है। बोल तो सही रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो ना। बोल तो सही रहे हो ऑलमोस्ट, नहीं अभी मैंने ये नहीं बोला कि बात बिल्कुल सही की है, लेकिन मोर और लेस बात सही की है आपने, ठीक है। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस से बताओ कि क्या करता है ये, और अगर नहीं चला के देखा तो वो भी बोलो कि भाई नहीं चला के देखा ये हमने, ये भी बात मतलब। अच्छा, ये साइज चेंज नहीं किया। अच्छा, मैक्स लेंथ क्या होता है ये बता दो। सही है, अगर मैंने 30 लिखा है तो ये 30 अल्फाबेट्स इसमें एंटर कर पाऊँगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एंटर नहीं हो पाएगा, देखते हैं इसको चला के। ये हमारे पास जो है ना एक अदद फॉर्म आ गया। अच्छा, उसमें पैराग्राफ इन्होंने रखा है, ज़रूरी नहीं है इस पैराग्राफ को रखना, लेकिन इन्होंने रखा है और उसके बाद एक इनपुट लगाया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इस इनपुट के अंदर हमारे पास एक है साइज़, अगर इस साइज़ को हम चेंज करते हैं ना तो इसका जो फिज़िकल साइज़ है वो इससे जो है ना बढ़ेगा या कम होगा। इसको मैंने 20 कर दिया, 20 करने से क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, कि फिज़िकल ये साइज़ कितना बड़ा शो कर रहा होगा, दिस इज़ साइज़। अच्छा, मैक्स लेंथ जो है वो क्या है, अगर मैक्स लेंथ को मैं 5 कर देता हूँ तो इसके फिज़िकल साइज इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब जब मैं आके यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा ना तो 5 कैरेक्टर से ज़्यादा मुझे ये टाइप करने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, कहलाती हैं जो यानी मैक्स लेंथ को जो मैंने लिमिट किया है, ये वाली चीज़ कहलाती है वैलिडेशन, ठीक है। अच्छा, ये साइज़ जो 20 है, ये फिज़िकल साइज़, ये तो आप काइंड ऑफ स्टाइलिंग के दर्जे में ही दाखिल है, ये काम हम CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन HTML में भी इसका एट्रीब्यूट मौजूद है। अच्छा, इस साइज़ 20 को यानी फिज़िकल साइज़ को चेंज करने का क्या रीज़न हो सकता है,
कोई इस पर अपना ओपिनियन दे पाएगा कि जी फिज़िकल साइज़ इसका जो मैं चेंज कर रहा हूँ कि जी मैंने 4 कर दिया फिज़िकल साइज़, सही है, या मैंने जो है ना 40 कर दिया फिज़िकल साइज़, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों मुझे इसको चेंज करना पड़ रहा है फिज़िकल साइज़ को? लिखा हुआ जो स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आए, हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितना बड़ा इनपुट लेना है, ठीक है। अगर तो मुझे रोल नंबर इनपुट लेना है तो उसके लिए शायद मैं 6 भी लिखूँ तो काफ़ी है, रोल नंबर के लिए इतना काफ़ी है। अगर मुझे एज लेनी है तो शायद उसके लिए 3 भी काफ़ी है, ठीक है, 3 भी काफ़ी है कि जी यहाँ पे आके बंदा जो लिखेगा 30, दैट्स इट, ठीक है। या 300 लिख दे तो उसको दिख जाएगी मैंने 300 कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं 2 नहीं कर सकता, मुझे शायद एटलीस्ट 3 इसको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो भी नंबर टाइप में होगा, वो हम खैर देखते हैं। तो ये बात ये पता चली कि जी इनपुट जो मैंने लेना है वो कितने लंबे साइज़ का है। अच्छा, अगर मुझे नाम इनपुट लेना है बंदे का तो फिर ये 3 में काम नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये लिखता जा रहा है बंदा, उसको दिखेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो वो कम से कम उसको मुझे 20 तो करना ही पड़ेगा, जो भी मेरी मतलब नाम की जो लिमिट है वो मुझे यहाँ देना होगा, ठीक है, 20 या 25 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा नाम बंदा देगा। तो फिज़िकल साइज़ का ये रीज़न है, जो ये मैक्सिमम लेंथ है, जो ये वैलिडेशन है। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि जी अच्छा देखो, बाय द वे एक बनी हुई वेबसाइट है ना, जो मैं अभी खोला हुआ है, मेरी खुद की बनी हुई वेबसाइट है, इसको मैंने खोला हुआ है और मैं यहाँ से आके इसको चेंज कर रहा हूँ। तो नोट करो कि ये जो मैक्स लेंथ लगा हुआ है ना, ये वैलिडेशन तो है कि जी अच्छा, ये वैलिडेशन का क्या मतलब है? वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जब ये फॉर्म का जो डेटा है, जब मैं इसको सर्वर पर भेजूँगा, तो वहाँ पर जाने के बाद सर्वर की जो एक्सपेक्टेशन है, क्या ये डेटा जो जा रहा है ये वैसा ही जा रहा है या इससे मुख्तलिफ जा रहा है? अच्छा, अगर मुख्तलिफ जा रहा है तो सर्वर सामने से रिजेक्ट करेगा। तो मुझे यहाँ से जो है ना फॉर्म को वैलिडेट करना होता है कि जी ये वैलिड है या नहीं है डेटा, और वैलिड डेटा मुझे यहाँ से भेजना होता है। तो ये वैलिडेशन इज़ ऑल अबाउट कि वैलिड डेटा जा रहा है या इनवैलिड डेटा जा रहा है। अच्छा, सर्वर पर मुझे ये बात पता है कि जी मेरा जो नाम है ना वो 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का अलाउ नहीं है सर्वर पे। अभी हम सर्वर पे जब खुद लिखेंगे हम, तो हम फिर देखेंगे कि सर्वर पे ये चीज़ कैसे अलाउ करते हैं, कैसे डिसअलाउ करते हैं। लेकिन मुझे ये अभी फ़िलहाल पता है कि 25 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम अलाउ नहीं है सर्वर पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको 25 कैरेक्टर पे लिमिट कर दूँगा। अब आप देखें ये इतने पर लिमिट हो गया, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये बटन टाइप करता जाऊँगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इतना ही डेटा जो है वो वैलिड है, अगर इससे एक कैरेक्टर भी ज़्यादा लिखा तो ये इनवैलिड हो जाएगा डेटा। तो वैलिडेशन ये वाला चक्कर है, लेकिन ये वैलिडेशन जो है ये दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, ये कोई सिक्योरिटी का फीचर नहीं है, ठीक है, ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। HTML की हद तक जो रहते हुए बात कर रहा हूँ, क्यों कि जी अब देखो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल क्या लगाया, रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो मैंने जो ओरिजिनली लगाया था वो साइज़ लगाया था 15, मैक्स लेंथ लगाई थी 30, ठीक है, जो बुक से मैंने सीधा कॉपी किया था। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना मैक्स लेंथ 30 है, अब ये देखो लिखा 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 ये 30 पूरा हो गया। अब इसको मैं आके ना यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको 40 कर दूँगा, सही है, 40 करने के बाद मैं इसमें मज़ीद 10 कैरेक्टर लिख दूँगा आगे। तो ये सिक्योरिटी फ़ीचर नहीं है, क्योंकि HTML में लिखा हुआ जो भी चीज़ है उसको चेंज किया जा सकता है क्लाइंट साइड से, तो उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये जो डेवलपर ऑप्शन मैंने खोला हुआ है, अगर किसी को भी इस डेवलपर ऑप्शन का पता है तो वो यहाँ पर आके उसको खोल सकता है, ठीक है। तो ये जो है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है, ये सिक्योरिटी फ़ीचर नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो मैक्स लेंथ लगा रहा हूँ ना 30 या 40 जो भी लगा रहा हूँ, वो मैं जस्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि यूज़र को पता चल जाए कि अच्छा यार इतना मैक्सिमम लेंथ है। मैं उसको रोक नहीं सकता कि नहीं यार इतना ही लिखो आप, वो उसको आगे चेंज करेगा, वो आगे उसका जितना दिल करेगा उतना लिख के और भेजेगा यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी डेवलपर टूल्स होते हैं, जैसे पोस्टमैन एक टूल है, हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे यहाँ पे जब हम सर्वर बनाएंगे उसको। तो उस टूल को जब आप देखेंगे ना, तो उसमें ये फॉर्म उधर से भी सबमिट किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैं वेबसाइट से करूँ, पोस्टमैन से भी किया जा सकता है। तो वो कुछ भी डेटा डाल के भेजेगा पोस्टमैन से, ठीक है, और वो चला जाएगा सर्वर में। तो यही वजह है कि ये जो वैलिडेशन वाला पार्ट है, ये वैलिडेशन वाला जो मैक्स लेंथ 40 चाहिए, तो ये मैं सर्वर पर भी लगाता हूँ कि जी सर्वर पर भी जब रिक्वेस्ट आती है तो मैं चेक करता हूँ भाई 30 या 40 जो भी मैंने रखा हुआ है मैक्स लेंथ उससे ज़्यादा का होता है तो मैं रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो सर्वर पे जो वैलिडेशन लगेगी वो सिक्योरिटी के लिए, और HTML में जो वैलिडेशन लगेगी वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, ये हमने इनपुट देख लिया, ठीक है, साइज़ और मैक्स लेंथ को डिस्कस कर लिया हमने।
पासवर्ड इनपुट। अब पासवर्ड इनपुट में और नॉर्मल इनपुट में जो डिफरेंस है ना वो कुछ भी नहीं है, वो जस्ट ये है कि वो कहाँ गया मेरा कोड, मुझे कोड चाहिए इधर और बुक चाहिए इधर। सही है, अब जी आप यहाँ पे अगर गौर करें तो अब मेरे फॉर्म में ना पहले सिर्फ एक था यूज़र नेम, अब मेरे पास एक और आ गया पासवर्ड। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि टाइप पासवर्ड लगा हुआ है इस पर जस्ट, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, नेम भी ज़ाहिर है चेंज है, क्योंकि देखें जब इस नेम से सर्वर पर डेटा जाता है तो हर फील्ड का ना ये नेम अलग होना चाहिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। अच्छा, तो अब इसका जो डेटा बनेगा ना वो ऐसे बनेगा कुछ, मैं आपको कॉमेंट में लिख के दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरह बनेगा कि जी, ठीक है, यूज़र नेम और जो भी इसमें यूज़र ने टाइप किया होगा, जो भी यूज़र ने इसमें टाइप किया होगा वो यूज़र नेम होगा, और उसके बाद और पासवर्ड में जो भी यूज़र ने टाइप किया होगा वो, तो वो इस तरह का ना एक ऑब्जेक्ट तैयार होगा अल्टीमेटली। तो क्या होगा, मुझे ये वाला नेम क्या करना पड़ता है, अलग अलग रखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज़ ये दोनों फिर सेम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर दोनों में मैंने पासवर्ड पासवर्ड कर दिया तो फिर जो है ना वो, तो सॉरी, दोनों में मैंने पासवर्ड पासवर्ड कर दिया तो ये हो जाएगा फिर, ठीक है, ये इनवैलिड कहलाता है। तो इसलिए मुझे नेम अगर रखूँगा तो दोनों में अलग अलग रखूँगा। वैसे हम जो एजेक्स वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे उसमें नेम की ज़रूरत नहीं होती है ना। अच्छा, तो टाइप पासवर्ड लगाने से होगा क्या कि इसको स्टैरिक स्टैरिक बना के वो दिखाना शुरू कर देगा मुझे, ठीक है। यूज़र नेम में टाइप करता हूँ तो प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड वाले में टाइप करता हूँ तो मुझे स्टैरिक स्टैरिक बनाकर दिखा रहा है वो, ठीक है यार, फ़ोन अपना साइलेंट कर सकता हूँ। अच्छा, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ मैं जाके, तो यहाँ पे टाइप पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इस पासवर्ड को मैं डबल क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट करके एंटर कर देता हूँ तो ये भी चेंज हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये टाइप पासवर्ड लगा हुआ है ये भी क्या है, जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस है, कि जब पेज लोड होता है और कोई बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आके डायरेक्ट अपना पासवर्ड टाइप करे तो उसको वो पासवर्ड स्क्रीन पे विजिबल ना हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कभी भी विजिबल नहीं करा सकता मैं, तो यहाँ पे जो ये टाइप पासवर्ड लगा हुआ है ये भी जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस है, इस ये वैलिडेशन सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ये वाली। इसको टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट कर देंगे इसको, येलो टेक्स्ट हो गया, दिखने लग गया वो, ये मसला है, सही है। तो ये जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस है कि जी, किसी ने डायरेक्ट एक वेबसाइट खोली है, उसको नहीं पता वो कौन सी वेबसाइट है क्या है, अब वो वेबसाइट खोली है, सामने वो लॉगिन मांगता है या साइनअप मांगता है, तो वो साइनअप करते हुए अपना पासवर्ड लिख रहा है जब, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हिडन हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है वो पासवर्ड की तरह से शो हो, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती उसको चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। बहरहाल ये टाइप पासवर्ड हो या टाइप टेक्स्ट हो, सर्वर पर वो एक ही तरह से जाता है, सर्वर पर जाने में फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। ये जस्ट पासवर्ड करने से ये स्क्रीन पे हिडन कर देता है, सर्वर पे ये सेम उसी तरह जाता है जैसे एक टेक्स्ट जा रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि एक से ज़्यादा लाइन ऑफ इनपुट जब हमें लेना होता है ना तो हम लगाते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट एरिया। अच्छा, इसमें बीच में स्पेस क्यों आ रहा है, टेक्स्ट एरिया यहाँ से शुरू है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, अभी भी इसमें स्पेस आ रहा है, क्या चेक करिए, इसमें वो वाला जो गाड़ देता है, सही है। ये मैंने टेक्स्ट एरिया का जो ये ओपनिंग पार्ट था ना इसको ऊपर वाली लाइन में कर दिया और क्लोजिंग पार्ट को मैंने यहाँ इस लाइन में कर दिया ताकि क्लोजिंग पार्ट के बाद इसमें कोई स्पेस ना रहे, इस चीज़ को लेके मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब ये होपफुली क्या होगा, ये शुरू से आ रहा होगा, ठीक है। एंटर योर कमेंट करके आ गया मेरे पास। अब इसमें मल्टी लाइन का मैं इनपुट ले सकता हूँ, ठीक है। मल्टी लाइन का इनपुट लेने के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा इसके कंट्रोल भी आ रहा होता है जिससे मैं इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ मज़ीद, ठीक है। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट ये कितना बड़ा शो होना चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, रो एंड कॉलम, ठीक है जी। कितने कॉलम होना चाहिए, कितने रो होना चाहिए। कॉलम जो है वो क्या है,
मतलब राइट टू लेफ्ट कितना बड़ा होना चाहिए, यानी कितने साइज़ का होना चाहिए फिजिकल साइज़, और रो जो है वो टॉप टू बॉटम है। जैसे अभी चार रो है, अगर मैं इसको कर दूँ आठ रो, तो ये टॉप टू बॉटम जो है ना ये बढ़ जाएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम ये बढ़ गया। और अगर कॉलम को मैं इसके बढ़ा दूँ यानी 30 कर दूँ कॉलम को, तो फिर ये राइट टू लेफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा ये, ठीक है। और इसको छोटा भी किया जा सकता है ऐसे, अगर किसी ने छोटा करना है या बड़ा करना है तो ये कंट्रोल मौजूद है। इस कंट्रोल को मैं हाइड भी कर सकता हूँ, इस कंट्रोल का भी मैं नाम भूल रहा हूँ क्या होता है, रीसाइज होता है शायद। सर रॉ तो होती है नहीं, सर कॉलम वर्टिकल होता है ना। हाँ कॉलम वर्टिकल होता है, रो जो है हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। एट रो का मतलब है कि यानी ये एक रो दो रो तीन रो चार रो ऐसे करके आठ रो इसमें होगी, तो ये आठ रो ही है अगर आप इसको, ठीक है, आठ लाइन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पूरी आठ लाइन आ रही है, ठीक है। इसी तरह कॉलम में 30 है तो 30 कैरेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको बल्कि हम चेंज करने का एट्रीब्यूट यहाँ देख लेते हैं ना। हमारा इंटरनेट डेड है, ज़रा मैं अपने फ़ोन का इंटरनेट इस्तेमाल करूँ, अगर ये कनेक्ट होता है तो। अच्छा जी, टेक्स्ट एरिया के अंदर जो है ना कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। कॉलम्स होते हैं, ये बता दिया इसने, डिसेबल कर सकते हैं हम इनपुट को, किसी भी इनपुट को। मैक्स लेंथ है, मिनिमम लेंथ है, जो टेक्स्ट इनपुट वाली सारी चीज़ें हैं। प्लेस होल्डर करके एक चीज़ है जो पहले से लिखी भी आ रही होती है छोटी सी, ठीक है। इसमें वो रीसाइज करने वाला जो है ना, ये रहा। अच्छा ये CSS से लगेगा, ये एट्रीब्यूट से नहीं लगेगा। रीसाइज को नन कर सकता हूँ मैं, रीसाइज को नन किया जा सकता है। तो इसमें से हम कुछ एक दो और एट्रीब्यूट्स लगा के देख लेते हैं। जैसे रीड ऑनली अगर मैं कर दूंगा तो क्या होगा, उसमें टाइप होना बंद हो जाएगा, ठीक है, उसमें टाइप नहीं हो पाएगा कुछ फिर, ठीक है। मैं यहाँ पर लास्ट में आके रीड ऑनली, और अच्छा रीड ऑनली इक्वल्स टू ट्रू लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रीड ऑनली भी लिख दूँ तो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो इसमें आप देखें कुछ टाइप नहीं हो पाएगा, कुछ भी टाइप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, रीड ऑनली हो गया ये। अच्छा एक होता है डिसेबल्ड, ठीक है, रीड ऑनली और डिसेबल दोनों काम तो सेम करता है, लेकिन डिसेबल में ना थोड़ा डिम हो जाता है ये, और यूज़र को बकायदा एक एक्सपीरियंस दे रहा होता है कि जी मैं डिसेबल हूँ, ठीक है। रीड ऑनली जो है हम कुछ मखसूस केसेस में करते हैं, जिसमें वक्ती तौर पर उसको रोकना होता है ना, तो CSS के थ्रू हम उसको कर लेते हैं रीड ऑनली थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसको हटा देते हैं, या जावास्क्रिप्ट के जरिए थोड़ी देर के लिए रीड ऑनली करना होता है किसी भी वजह से, ठीक है। लेकिन जो ये डिसेबल है इसमें मुझे यूज़र को बताना होता है जब कि जी हाँ यार इसमें कुछ नहीं लिख सकते आप, तो हम इसको फिर डिसेबल कर देते हैं। सर जैसे कुछ चीज़ों में एक लाइन है कोई ऐसी बता रहा है आप डिसेबल है, कोई बॉक्स डिसेबल है, लेकिन कहीं टिक वगैरह लगाने से ना फिर वो एबल हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? हाँ वो जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के जरिए ना इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट मैं लगा सकता हूँ या हटा सकता हूँ, सही है। जावास्क्रिप्ट के जरिए जितने भी एट्रीब्यूट मैं हाथ से लगा रहा हूँ ना अभी, ये मैं जावास्क्रिप्ट से भी लगा सकता हूँ, और मैं जावास्क्रिप्ट से इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट हटा भी सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ इस पे जो है ना चार पाँच एट्रीब्यूट लगा दिए हैं। अब एक प्लेस होल्डर के नाम से एक एट्रीब्यूट है, मैं वो लगाने जा रहा हूँ। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया कि जी एंटर योर कॉमेंट, ठीक है। तो एक तो ये अंदर लिखा हुआ था ना एंटर योर कॉमेंट, ये तो बाकायदा एज अ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था। इसमें क्या होता था जी कि मैं यहाँ पे जाके ना इसको क्लिक करता था, इसको बाकायदा मिटाता था, ठीक है, इसको बाकायदा मिटा के मैं, अच्छा डिसेबल इसका हटाता हूँ मैं ताकि ज़रा इनेबल हुई है, ठीक है। ये तो बाकायदा टेक्स्ट के तौर पर लिखा हुआ आता था, तो मैं इस टेक्स्ट को अब क्या कर दूँगा, इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है, टेक्स्ट को हटा दूँगा, ये प्लेस होल्डर रख रहा हूँ मैं इसकी जगह। अब प्लेस होल्डर देखो कैसे दिखता है, प्लेस होल्डर दिख रहा क्यों नहीं है,
वो स्पेस क्यों आया हुआ है? अच्छा, दोनों को मिला देता हूँ ना, ठीक है, स्पेस बीच में वो बिला वजह में आ रहा है, ठीक है, ये प्लेस होल्डर है। जैसे ही मैं कुछ लिखूँगा ये गायब हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर है। ये बाद में ऐड किया गया, रिसेंटली ऐड हुआ ये, मतलब रिसेंटली का मतलब है जब HTML5 ओरिजिनली आई थी तो उस वक्त ये नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है जी। हमारे बचपन में एक दौर अचानक एक दौर ऐसा आया था कि जब हर जगह प्लेस होल्डर आने लग गए थे, ठीक है, पहले नहीं होते थे ये उससे। अच्छा जी, हम अब आ जाते हैं, तो ये जितने भी एट्रीब्यूट है ना इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, और क्या कहते हैं, जैसे स्पेल चेक है, स्पेल चेक क्या होता है कि जी बहुत सारे एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल होते हैं कभी आपके पास, तो स्पेल चेकिंग क्या है, इस पर ट्रू करनी है या फॉल्स करना है या डिफ़ॉल्ट रखना है, ठीक है, तो ये तीन इसके अंदर ऑप्शन हैं, तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा पैसेज है कि जी जैसे ईमेल लिखने के लिए कोई बॉक्स बना हुआ है, अब उसमें आप जो टाइप कर रहे हैं और सेंड दबाएंगे तो ईमेल चली जाएगी, तो उसमें शायद स्पेल चेकिंग आपने ट्रू रखना ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। कहीं पे अगर कमेंट लिखा जा रहा है तो उसमें शायद कमेंट में आमतौर पे बंदा कभी रियल इंग्लिश नहीं लिख रहा होता, कभी थोड़ा स्लैंग इंग्लिश लिख रहा होता है, तो उसमें शायद डिफ़ॉल्ट रख देंगे हम कि जी अगर कोई एक्सटेंशन को कंट्रोल दे देंगे कि जी एक्सटेंशन अगर स्ट्रिक्टली उसको करना ही चाह रहा है तो कर दे, नहीं करना चाह रहा है तो उसको ना करें। तो ये हमने टेक्स्ट एरिया को ज़रा देख लिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं यहीं पर और हम कहते हैं कि जी इनपुट और साथ में एम्बिएंट, क्योंकि इनपुट के भी कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आप देख लें। अच्छा जी, इनपुट के जो एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो ये आ गए सारे, सही है। किसी भी इनपुट को भी हम डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, एक्शन करके जो था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जैसे फॉर्म मेथड है और फॉर्म एक्शन है, वो तो हम वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। मैक्स लेंथ है और मैक्स और मिन है, लेकिन अब ये हर एट्रीब्यूट ना हर इनपुट पे नहीं लगेगा। जैसे आप नोट करें कि यहाँ पे ना मिनिमम के ऊपर इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा ये डेट इनपुट पे लगेगा, टाइम इनपुट पे लगेगा, नंबर इनपुट पे लगेगा, ये टेक्स्ट इनपुट पे नहीं लगेगा, सही है, ये टेक्स्ट इनपुट पे नहीं लगेगा। तो हम ऊपर से इसको देखना शुरू करते हैं कि कौन सा किस पे लगता है, ठीक है। तो शुरू में ही इसने कह दिया कि जी ये ALT जो लगेगा ये इमेज टाइप पे लगेगा, एक इमेज इनपुट भी होता है कि जी बटन दबाएंगे आप उसका तो वो क्या कहते हैं एज अ इमेज काम, वो जो सबमिट का बटन है एज अ इमेज काम कर रहा होगा वो, अभी हम वो आगे देखते हैं, उन्होंने लगा के भी दिखाया था इमेज इनपुट, ठीक है। ऑटो कंप्लीट करके एक एट्रीब्यूट है, वो किस पे लगेगा, तमाम पे लगेगा, चेकबॉक्स और रेडियो बटन को छोड़ के तमाम पे लगेगा। ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि जी आप जब लिख रहे होते हैं ना किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में तो उसके ऊपर कुछ सजेशंस आ रही होती हैं आपके पास नीचे, जैसे ईमेल जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो नीचे आपके पास पहले जो लिखी है ईमेल वो आ जाती है सजेशन में, ठीक है, तो उसको हम ऑटो कंप्लीट कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होती है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बताना पड़ता है कि इसमें आप इनपुट करके आ रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज़ वो खुद से डिटेक्ट करता है तो उसमें थोड़े मसले होते हैं, तो हमें इसको बता दें अगर तो हम काफ़ी बेहतर है। अच्छा, फिर इसमें एक चेक्ड करके एट्रीब्यूट है कि चेक ट्रू या फॉल्स, वो चेकबॉक्स और रेडियो बटन में ही लगेगा, किसी और में नहीं लगेगा वो, ठीक है। डिसेबल जो है वो सब में लग सकता है ऑल, उससे क्या होगा अगर कोई बटन टाइप का इनपुट है तो डिसेबल हो जाएगा, कोई टेक्स्ट इनपुट है वो डिसेबल हो जाएगा, उस पर लिख नहीं पाएंगे आप कुछ, ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अब इनको हम एक एक करके अभी देखते हैं, ठीक है, इस पेज को हम यही खोल के रखते हैं। अच्छा, मैक्स लेंथ आप देखें टेक्स्ट पे लग जाता है, सर्च पे लग जाता है, URL पे, टेलीफोन नंबर पे, ईमेल पे और पासवर्ड पे। अब ये सारे अलग अलग तरह के इनपुट्स हैं जो अभी हम देखेंगे। अभी तक हमने इनपुट कौन सा देखा है, एक हमने देखा है टेक्स्ट इनपुट, एक हमने देखा है पासवर्ड इनपुट। अब एक एक करके ये सारे इनपुट को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आप हमारे पास आ गया रेडियो बटन। अब रेडियो बटन को मैंने कॉपी किया यहाँ से पूरे को और ला के यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इन्होंने कहा जी प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट जॉनर, और उसके बाद लिखा है एक इनपुट जिसकी है टाइप रेडियो, ठीक है। इस इनपुट के लिखने से क्या होगा, एक गोल सा एक बना हुआ आ जाएगा बटन, दैट्स इट, ठीक है। कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, लिखा इन्होंने अलग से यहाँ पर, फिर उसके बाद एक गोल और बना हुआ आएगा, फिर लिखा हुआ आएगा, फिर एक गोल और बना हुआ आएगा, फिर एक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। टाइप इसकी लगाई इन्होंने रेडियो, आ जाते हैं यहाँ पर कैसे अपेयर हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से अपेयर हो गया ये,
अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें, ये तीन अलग अलग इनपुट हैं, सही है, और तीनों का ना नेम यहाँ पे सेम है, और इसी नेम के सेम होने की वजह से इसको समझ आ रहा है कि ये सेम इनपुट है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक नीचे दूसरा सवाल पूछता हूँ, इसी में ही रेडियो बटन में एक दूसरा सवाल पूछता हूँ कि प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट फूड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जी बिरयानी, बर्गर और पिज़्ज़ा, ठीक है, तीन मैंने लिख दिया है। कोरमा भी लिख दिया था? नहीं, कोरमा नहीं, कोरमा फेवरेट थोड़ी होता है, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, मैंने रॉक पे चेक लगाया, पॉप पे लगाया, बर्गर पे लगाया, तो उठ के नीचे आ गया वो, ये तो बिहेवियर सही नहीं है ना, इतना तो सबको समझ आ रहा है ये बिहेवियर सही नहीं है। अब ये बिहेवियर ये सही क्यों नहीं है, ये असल में छः के छः को ना एक ही इनपुट समझ रहा है, ठीक है, हालांकि ये दो अलग अलग इनपुट हैं, तो ये इसको अलग अलग इनपुट समझाने के लिए ना मुझे ये इन तीनों का ये नाम सेम करना पड़ेगा और इन तीनों का एक मुख्तलिफ नाम लेकिन सेम रखना पड़ेगा, ठीक है, कि फूड लिख दिया मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर। अब इसको ये समझ आएगा कि अरे अच्छा अच्छा ये तो अलग अलग इनपुट है, ठीक है, अब देखो ये अलग सेलेक्ट हो रहा है और नीचे वाला अलग से सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स की हम बात कर लेते हैं, ये पहला वाला जो आइटम है ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आता है ना, इस पर चेक करके लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ चेक्ड भी लिख दूँ तो भी सही है, इतना भी लिख दूँ तो भी ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूरे ही हटा दूँ ये चेक्ड को तो क्या होगा, कोई सा भी चेक नहीं हुआ होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कोई सा भी चेक नहीं हुआ होगा, मैं करूँगा तो होगा, करूँगा तो होगा, ठीक है। एक में पहले से चेक हुआ है, दूसरे में मैंने चेक कुछ भी नहीं लगाया पहले से, तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है जी। अच्छा, वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू मतलब इस वाले में गोल को सेलेक्ट करूँगा तो सर्वर पे वैल्यू क्या जाएगी, देखो एक नेम है और एक वैल्यू है, ठीक है, तो वो ये वाली वैल्यू जो है ना वो सर्वर पे जाने वाली वैल्यू है, और ये जो है ये स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ और सर्वर पे जाने वाली चीज़ थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है अगर हम रेडियो बटन और चेकबॉक्स की हम बात करें तो, ठीक है। सेम इसी तरीके से चेकबॉक्स में भी है कि जी ये मैंने ये उठाया और यहाँ पे मैंने ये चेकबॉक्स ला के लगा दिया, ठीक है, ये क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया ये, ठीक है जी। ये पैराग्राफ है, इसके अंदर एक अदद इनपुट लिखा हुआ है, इस इनपुट से चकोर डब्बा बना हुआ है जिसमें चेक लगता है, और उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। रेडियो बटन में अपोजिट था, रेडियो बटन में पहले इन्होंने गोल बटन बनाया था फिर ये टेक्स्ट लिखा था, चेकबॉक्स में क्या किया है, चेकबॉक्स में भी सेम काम किया है, सेम काम किया है, पहले इनपुट लिखा है फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखा है, हाँ इसमें भी सेम है, दोनों में सेम है ये, ठीक है जी। ये आ गया तीनों लिखा हुआ, मैं इस पर चेक लगाता हूँ, इस पर चेक लगाता हूँ, ठीक है, किसी एक एक पे पहले से चेक लगा हुआ है, एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया हुआ है, इस वजह से पहले से इस पे चेक लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है चेक्ड, ये मैं एट्रीब्यूट दो को भी दे सकता हूँ, तीन को भी दे सकता हूँ, और इसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ चेक लिख दो तो भी ठीक है ये, और मैं इसको दो पे भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों चेक हुए गए हैं। रेडियो बटन में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा हो सकता है चेक्ड। रिफ्रेश किया, दो में चेक लगा रहा है, ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है कुछ इसमें, अगर उसमें भी दोनों जगह रेडियो बटन लिख दो फिर भी नहीं आएगी, जैसे चेक पे दो जगह चेक नहीं लिया, नहीं नहीं आएगा। सो देखो यहाँ पे अगर मैं चेक लिखूँगा ना दो पे, तो ये जब शुरू करेगा ना, इसको देखना शुरू करेगा जब ये, तो पहले इस पे लगाएगा चेक, फिर जब दूसरे पे पहुँचेगा तो इस पे भी चेक है तो इस पे चेक लगाएगा, तो जब रेडियो बटन में हम एक पे चेक लगाने के बाद जब दूसरे में चेक लगाते हैं तो क्या होता है, पहले में से ख़त्म हो जाता है चेक, तो होपफुली इसमें यही वही बिहेवियर करेगा। रिफ्रेश किया तो वो सेकंड पे आ गया, ठीक है। ऑन अदर एंड चेक बॉक्स में ऐसा नहीं है, चेक बॉक्स में पहले पे लगाते हैं दूसरे पे लगाते हैं तो दोनों पे रहता है, ठीक है जी। ये इनपुट हमारा हो गया, और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी मोर और लेस वो सेम ही चीज़ है, ऐसे आपने ये सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉपी, और यहाँ पर ला के हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा कि हमें पता है ये रेडियो बटन वाला ही काम होता है इसमें, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने तीन ही ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि बुक की वजह से, लेकिन हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है जहाँ पे आमतौर पे हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। जो हम रेडियो बटन में लिखेंगे तो स्क्रीन पे मैस हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश किया मैंने तो यहाँ पे जी ये मेरे पास तीन ऑप्शन आ गए। ज़रा मैं नीचे इसके जगह बना दूँ ताकि जो है ना थोड़ा स्क्रीन पर वो ऊपर तक आए। ठीक है, ये मेरे पास नीचे जो है वो इतना पार्ट ड्रॉप डाउन का बना हुआ है, इसमें मैं कोई सा भी सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके अंदर भी देखें वैल्यू मौजूद है और स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो वैल्यू सर्वर पे जा रही है वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम मज़ीद डिटेल में जब हम बाकायदा फॉर्म सबमिट करके सर्वर पर भेज रहे होंगे तो हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि जी ये दोनों अलग होने का क्या फ़ायदा हो सकता है और दोनों को अलग रखना क्यों सम टाइम ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा अलग हो, लेकिन सम टाइम ही अलग होता है। ठीक है जी, अच्छा मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स, मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स के अंदर ना हमें सिर्फ एक मज़ीद एट्रीब्यूट देना होता है, ये एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल। अच्छा, इसी पे मैं आके ना जो मेरे पहले से यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा हुआ है इसी पर आके मैं इसको मल्टीपल बोल देता हूँ। मल्टीपल मैंने बोल दिया इसको तो क्या होगा, अभी मल्टी सेलेक्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है कि ड्रॉप डाउन में एक आइटम सेलेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो क्योंकि मैंने मल्टीपल लगा दिया तो ये ड्रॉप डाउन चेंज हो गया। अब इसमें मैं एक से ज़्यादा आइटम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और वो मैं कैसे करूँगा, मैं कंट्रोल पकड़ के और जितने को सेलेक्ट करना चाहूँ उतने को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल का बटन दबा के ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो मेरे पास बड़ा सा ये ब्लैक बॉक्स बना हुआ रहा है नीचे कि जी रेडियो नॉट सेलेक्टेड और ये कंप्यूटर नॉट सेलेक्टेड, ये मेरे कंप्यूटर का एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है जो मैंने ऑन किया हुआ है, इसका HTML से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल पकड़ के क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, ये एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है कि कंट्रोल पकड़ के किसी भी जगह पर रखूँगा ना उसके टेक्स्ट को ये बड़ा करके दिखा देगा। ये एक एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है जो मैंने ऑन किया हुआ है, ये मतलब ऐसा इसका मल्टी सेलेक्ट बॉक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं किसी भी चीज़ पर रखूँगा उसको बड़ा करके दिखाता है ये। ठीक है, ये असल में मैंने इसलिए इनेबल किया हुआ है कि सम टाइम क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोजेक्टर पर दूर से दिख नहीं रहा होता तो फिर वो ये सर आप कंट्रोल पकड़ के सिलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्ट करने से एक से ज़्यादा नहीं होगा, डायरेक्ट सेलेक्ट करने से ये एक एक करके करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है बिल्कुल। इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी जब रेडियो बटन में बहुत ज़्यादा होते हैं ऑप्शन तो हम ड्रॉप डाउन लगाते हैं, और जब चेक बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो मल्टी सेलेक्ट बॉक्स लगाएंगे। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हाँ चेक बॉक्स में अगर 200 आइटम है जिसमें मैंने चेक 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 लगाना है किसी 4, 5, 6 या 10 सेलेक्ट करना है तो उसके लिए बेस्ट है। चेक बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन चेक बॉक्स में जब ज़्यादा आइटम होंगे ना तो स्क्रीन पे वो मैस हो जाएगा ना। अभी देखो तीन है ना चेक बॉक्स में, तीन आइटम है तो स्क्रीन पर सही लग रहा है, दिख रहा है। अब इमेजन करो अगर ये 300 हो फिर तो इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता, फिर मैं इसको लगाऊंगा ये मल्टी सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, ताकि ये सेलेक्ट कर लेना कंट्रोल दबा के तो उसका आगे टिक भी आ गया। अच्छा, कर तो ये सब कुछ सकते हैं आप CSS के जरिए, ये सारी चीज़ें आप जो जो तुम सोच सकते हो ना वो सारा कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारा कुछ HTML से नहीं होगा, ये CSS के जरिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं हाँ ये तुम्हारा सवाल अच्छा है कि भाई HTML किस काम की है, जब सारा जो भी सवाल पूछते हो वो तो CSS पे हो जाता है या तो JavaScript पे हो जाता है, है ना। तो HTML किस चीज़ के लिए बनाइए फिर? देखो असल में शुरू में होता ही था कि HTML और CSS ना एक ही होती थी, अलग अलग नहीं होती थी। ठीक है, इस पे जितनी भी स्टाइलिंग होती थी ना वो एट्रीब्यूट्स के ज़रिए होती थी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं क्या लिखता था, BG लिखता था, सही है, और पता नहीं BG कलर करके होता था। अभी उसमें सजेशन में नहीं आ रहा क्योंकि वो हटा दिया इन्होंने, सजेशन में इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो बहरहाल मैं BG कलर करके लिखता था, उसमें रेड बता देता था तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता था। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के ज़रिए ये सारी स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स के ज़रिए होती थी, लेकिन फिर इन्होंने बोला यार इसका सेपरेशन ऑफ कंसर्न करना चाहिए कि जी वो क्योंकि एक बंदा जो HTML लिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है उसका हाथ CSS पे भी अच्छा हो। तो अगर मैं मुझे टीम बनानी है कि जी एक HTML लिख के दूसरा CSS लिख के तो उसमें फिर मसला होगा, अलग फाइल बनाने से कि मसला नहीं होता।
ठीक है। फिर दूसरी बात यह कि हर एच टी एम एल के पेज पर मुझे वो एट्रीब्यूट्स लगाने पड़ेंगे सारे। मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टाइलिंग को मैं अलग कर लूँ और चारों पेजेस को उसको अप्लाई कर दूँ, तो ये उसमें पॉसिबल नहीं था। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए और मॉड्यूलैरिटी के लिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलैरिटी, कि दो मॉड्यूल अलग कर दें और दो बंदे उस पर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मॉड्यूलैरिटी की वजह से इसको फिर अलग कर दिया है उन्होंने, ठीक है। अब जो है वो सी एस एस हमारी जो है वो सेपरेट उसकी वर्जनिंग चल रही है, यानी सी एस एस का वर्जन अभी 3 हमारे पास मौजूद है और एच टी एम एल का जो वर्जन है वो अलग चल रहा है, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न है। अभी एच टी एम एल के अंदर इटसेल्फ देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये वाली सारी जो चीज़ें ना कि जी टाइप टाइप चेकबॉक्स और इस पर वैल्यू क्या होगी और चेकड होगा या नहीं होगा, है ना, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये एच टी एम एल के करने की चीज़ें हैं, ठीक है। ये प्लेस होल्डर कहाँ पर होगा, ये कॉलम और रोज़ मतलब विड्थ हाइट कितनी होगी इसकी, ठीक है। किसी का मैं टाइप पासवर्ड कर देता हूँ, किसी का टाइप मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, किसी का टाइप मैं ईमेल कर देता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो क्या होंगी ये एच टी एम एल के करने की चीज़ें। अच्छा अब देखो क्या चक्कर है यहाँ पे, तो इन्होंने ना बस ये इनपुट बॉक्स को यहाँ कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन इनपुट बॉक्स के अंदर ना हमारे पास ये सारी टाइप्स मौजूद हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं ऊपर, हम इसको अब यहाँ से एक नज़र मारते हैं फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो इनपुट टाइप ना बटन हो सकता है, तो ये इस तरह दिखने लग जाएगा। इनपुट टाइप चेकबॉक्स हम देख चुके हैं, इनपुट टाइप कलर भी एक है, ठीक है, ऐसे खुलता है ये, कलर की सिलेक्शन होती है, ठीक है। ये इनपुट टाइप एक हो गया, इनपुट टाइप डेट है कि इनपुट टाइप डेट एंड टाइम है, इसमें देखो दोनों आ रहा है, डेट भी आ रहा है टाइम भी आ रहा है। क्लिक करूँगा ये पूरा खुल गया मेरे पास, इसमें जस्ट डेट आ रहा है, ठीक है। ईमेल इनपुट है, ईमेल इनपुट का क्या चक्कर होता है, ये ऑटोमेटिकली देखो नीचे सजेशन दे रहा होता है, और इसको अगर मैं क्या कहते हैं सबमिट करता हूँ अगर, तो अगर वो वैलिड ईमेल नहीं है तो वो सबमिट नहीं करने देता, रोकता है मुझे, ठीक है। रिक्वायर्ड वाला काम करता है, अभी रिक्वायर्ड हमें आगे देखते हैं क्या होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है मैंने रिक्वायर्ड उस पर लगा दिया ना, तो जब तक उसमें फिल नहीं करूँगा वो जाने नहीं देगा आगे, सबमिशन पर मुझे रोक देगा वो, ठीक है। इसी तरह फाइल इनपुट वो कुछ इस तरह दिखेगा। अच्छा इसी तरह हिडन, किसी भी इनपुट पर मैं हिडन लगा दूँगा वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी हिडन हम बाई डिफ़ॉल्ट, जैसे तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं, क्या होता है वो किसी चेक बॉक्स पे चेक लगाने पे वो अपीयर हो जाते हैं, वैसे वो अपीयर नहीं होते, तो हिडन फॉर्म कंट्रोल उस तरह का चक्कर है, ठीक है जी। इमेज हो सकता है कि जी इमेज इनपुट के ऊपर अगर मैं इमेज लगाऊंगा ना तो वो बनेगा असल में बटन, लेकिन वो क्या होगा, अ ग्राफिकल सबमिशन बटन होगा, ग्राफिकल एक इमेज होगी उसको दबाने से सबमिट हो रहा होगा, ये होगा, ठीक है। मंथ इनपुट हो सकता है, मंथ इनपुट देखो इस तरह का कुछ खुलेगा, डायरेक्ट डेट नहीं आ रही इसमें, मंथ से आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे महीना सेलेक्ट करना है कि जी बर्थडे मंथ कौन सा है, ठीक है, बर्थडे का डेट नहीं मुझे मालूम करनी, तो मैं मंथ इनपुट लगाऊंगा, ठीक है। नंबर इनपुट होगा जी, इस पर ऐसे करो ना, नंबर इनपुट पर थोड़ी मैं अप और डाउन का बटन दबाऊंगा तो ये देखो नंबर मूव करेगा इसका, और इसके ऊपर मैं नंबर लिखूंगा सही लिखाएगा, लेकिन नंबर के अलावा मैं इस पर टेक्स्ट लिखूंगा वो नहीं लिखाएगा, सही है। नंबर इनपुट हो गया, पासवर्ड इनपुट हम देख चुके हैं, पासवर्ड इनपुट में नंबर और टेक्स्ट तमाम लिखाता है लेकिन इस डायरेक्ट बना हुआ आता है। रेडियो बटन हम देख चुके हैं, रेंज करके एक मौजूद है चीज़, वो स्लाइडर है, 0 से लेके 100 तक का ही एक नंबर आपको देता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम इसमें हम लगा सकते हैं, तो इन सबको आपने लगा कर देखना है, ठीक है। रीसेट का बटन जो होता है, यानी इनपुट टाइप रीसेट जो होगी वो फॉर्म को रीसेट कर देगा, यानी फॉर्म में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा अगर इनपुट टाइप रीसेट है ना, ऐसा बटन बनवाएगा, क्लिक करूँगा सब खाली हो जाएगा फॉर्म में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सर्च इनपुट जो है उसमें क्या होता है, एक साइड में क्रॉस का बटन बना हुआ आ रहा होता है, अगर मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा तो ये गायब हो जाता है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस है ये भी टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन सर्च के हिसाब से इसको यूज़र एक्सपीरियंस बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। सबमिट का बटन अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा टेलीफोन नंबर, ये खुल नहीं पाया है पेज किसी वजह से, लेकिन टेलीफोन नंबर इज़ जस्ट लाइक टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। और बट उसमें क्या होता है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ईमेल की तरह नीचे सजेशन आती है, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट इनपुट हम देख चुके हैं। टाइम इनपुट क्या होता है कि वो जैसे अभी कैलेंडर खुला था ना, उसी तरह की चीज़ है वो भी। यूआरएल इनपुट भी टेक्स्ट इनपुट होता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें वैलिड यूआरएल जब तक नहीं लिखो आगे नहीं जाने देता वो, ठीक है। इसी तरह वीक इनपुट जो अभी खुला था, जैसे मंथ इनपुट उस तरह की चीज़ होती है वीक इनपुट, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑब्सोलीट कर दिया इन्होंने, तो ये सारे इनपुट के अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हमने क्या करना है, एक एक करके अलग अलग लगा कर देखना है। सर ये क्या चीज़ होती है जो अंदर गेम आ रहा था? नहीं नहीं ये तो पेज लोड नहीं हो पाया ना सर, गेम चलेगा। हाँ ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, असल में आई फ्रेम लगाया हुआ ना इसने, ये इसने लगाया हुआ आई फ्रेम भी, इस वजह से वो
उतना पार्ट लोड नहीं हुआ तो उसमें वो बना हुआ आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये फाइल इनपुट हमने देख लिया है। यहाँ पर फाइल इनपुट में क्या होता है कि जी आप लगाते हैं इनपुट में टाइप लगा देते हैं फाइल, तो आपको कुछ इस तरह का दिख जाता है। ब्राउज का बटन दबाते हैं, फाइल सिस्टम खुल के सामने आ जाता है। सही है, तो ये हमने फाइल इनपुट देख लिया। अच्छा, फाइल इनपुट को ज़रा एक लगा के देख लेते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बताना चाहता हूँ। ओके, नहीं नहीं सवाल कोई ऊट पटांग नहीं होता, सवाल कोई भी ऊट पटांग नहीं होता, सवाल सारे जो है ना सही होते हैं। सही है, क्योंकि सवाल देखो वही होते हैं जो जहन में आपके सवाल आ रहा है ना। सवाल तो वही होता है जो जहन में आ रहा है, तो या तो वो मैंने मिस कर दिया बताते हुए, या तो वो, क्योंकि यार बुक वाला जो बुक में राइटर है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकता है नीचे, वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा वो। ठीक है, या वो एक सर्टेन लेवल तक ऊपर जा सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा वो। तो वो एक दरमियाने एक मिजाज से वो चलेगा। तो अगर आपके उससे ऊपर या नीचे की कोई भी बात आपको नहीं पता अगर, तो वो ज़ाहिर है आपका सवाल होगा फिर, तो सवाल यही होता है। ठीक है जी, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर ना एक अपलोड MP3 फॉर्मेट का बटन आ गया। चूज़ फाइल का बटन दबाऊँगा, मेरे कंप्यूटर का इसने फाइल सिस्टम ओपन कर दिया, और मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा तो ये जी मेरे पास सारी फाइलें आ रही हैं इसके पास। मैं कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें उस इमेज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ गया। ठीक है जी, तो ये फाइल इनपुट है मेरा। अच्छा, फाइल इनपुट में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, अभी MDN के ऊपर जाओगे ना तो उसमें फ़ाइल इनपुट में ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसको हम कहते हैं क्या था नाम, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट के अंदर ना माइम टाइप लगा सकते हैं। अच्छा, माइम टाइप क्या होता है? एक तो होता है कि जी .png सेलेक्ट होगा सर, बस और कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो अब देखो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ क्या होगा। .png यहाँ पे ना .png सिर्फ आ रहा है, बाकी सारे डिसेबल। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, इधर क्लिक कर रहा हूँ तो हो जा रहा है सेलेक्ट। हाँ, इसको कोई भी अभी, अब JPEG लगा देता हूँ मैं। ठीक है, JPEG इसको कर देता हूँ आगे मैं। JPEG मैंने किया इसको फ़िलहाल के लिए। अब देखो क्या होता है, अब ये होता है कि PNG गायब हो गया और JPEG सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे दोनों को करना है तो मैं कॉमा सेपरेटेड भी लगा सकता हूँ, .png। सही है, तो अब ये दोनों आएंगे। रिफ़्रेश किया मैंने, दोबारा सेलेक्ट किया तो अब देखो PNG और JPEG दोनों आ रहे हैं, बाकी सारे सेलेक्टेड नहीं है। अच्छा, तो कॉमा सेपरेटेड में जितने चाहूँ लगा सकता हूँ, कॉमा सेपरेटेड जितने चाहूँ लगा सकता हूँ। अब इमेज के कोई 12-15 फॉर्मेट होते हैं, तो मैं इसकी जगह इन सबको हटा के मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जी image/*. ठीक है, image/*. करूँगा तो वो सारी इमेजेस को बाई डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर लेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने लगाया ना image/*, देखो अब हर तरह की इमेज को ये पकड़ रहा है, JPG GIF तक को पकड़ रहा है, जिसका जिक्र नहीं है यहाँ पे कहीं। DMG को भी पकड़। DMG इमेज नहीं है ना, वो इंस्टॉलेबल फाइल है। जैसे EXE होती है विंडोज़ में, EXE फाइल होती है, इसमें DMG होता है, तो वो इंस्टॉलेबल फाइल है, इस वजह से नहीं पकड़ रहा उसको। अच्छा, तो वो जो मैंने लगाया था ना .. करके एक्सटेंशन था वो, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने चीज़ लगाई है इसको हम कहते हैं माइम टाइप। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माइम टाइप कहते हैं। और ठीक है, माइम टाइप को अब अलग से गूगल कर लेना कि ये जो ना माइम टाइप में और क्या क्या होता है। नहीं, image/*, इसके अंदर आपका ना audio/*, भी हो सकता है, video/*, हो सकता है, फाइल और document/*, हो सकता है। ठीक है, इसी तरह application/*, हो सकता है। तो एक लंबी लिस्ट है पूरी माइम टाइप की जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, या कॉमा सेपरेटेड एक्सटेंशन आप दे सकते हैं कि जी ये फाइल सेलेक्ट करनी है, ये वाली नहीं करनी है। अच्छा, अब अगेन ये जो एक्सेप्ट है, ये वाली चीज़ भी जो है वो क्या है, दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ और चूज़ करता हूँ। अभी मैंने लगाया हुआ क्या, image/*, तो इंस्टॉलेबल फाइल को नहीं पकड़ रहा, ये टॉरेंट को नहीं पकड़ रहा, डॉक्स फाइल को नहीं पकड़ रहा। अच्छा,
अब मैं क्या करता हूँ, मैं शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ऑल फाइल्स, ये विंडोज़ में भी आता है, इसमें भी, लिनक्स में भी, सब में आता है। अब देखो, अब मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये टॉरेंट को सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, टॉरेंट सेलेक्ट हो गया। तो ये वाला जब भी जो पार्ट था कि जी ये फला फला फाइल को एक्सेप्ट करो, फला फाइल को एक्सेप्ट ना करो, दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि जी आपने लगा दिया तो ये फिक्स हो गया, ना ही ये सिक्योरिटी के लिए, दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, क्योंकि इसको ओवरराइड किया जा सकता है। और इसको ओवरराइड करने के लिए ये डेवलपर टूल खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। डेवलपर टूल बंद करके इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ शो ऑप्शन, और ये ऑल फाइल कर देता हूँ, ठीक है। ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑप्शन मौजूद होता है, विंडोज़ में, लिनक्स में और मैक में, तीनों में, कि जी इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो वो सारी फाइल सेलेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, कि जी सर्वर पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी, मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिए कि जी सर्वर पे ना सिर्फ इमेज फाइल ही जाएगी, अगर आप यहाँ से कुछ और सेलेक्ट करके भेजोगे सर्वर पे तो सामने से रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यूज़र एक्सपीरियंस के लिए लगा दिया कि जी यूज़र को जैसे ही वो क्लिक करे ना तो बाकी की सारी फाइलें डिम आ जाए, सेलेक्टेबल ना हो, ताकि यूज़र गलती से कोई फाइल सेलेक्ट ऐसी ना कर दे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वैलिडेशन तो ये है, लेकिन ये क्या है, जस्ट फॉर यूज़र एक्सपीरियंस है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं है। अच्छा, इसको सिक्योर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यही वाली एक वैलिडेशन मुझे सर्वर पे लगानी होगी अलग से, कि जी जब सर्वर पे जाए वहाँ पे मैं दोबारा चेक करूँगा कि जी क्या ये इमेज टाइप की फ़ाइल है या ये कोई डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ाइल है, और डिपेंडिंग ऑन दैट मैं उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूँगा सर्वर से, सर्वर की साइड से, ठीक है जी। तो ये हमने फाइल इनपुट को ज़रा देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके अंदर एक इनपुट होगा जिसकी जो क्या होगी टाइप जो है ना सबमिट लगी हुई होगी, ठीक है जी। इनपुट की टाइप जो है वो सबमिट होगी, सबमिट जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो ये एक बटन की सूरत अख्तियार कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये बटन की सूरत अख्तियार हो गई है। इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू में मैंने लिख देना है कि साइन अप, ठीक है, साइन अप लिख दिया मैंने, तो ये हो गया। अच्छा, इस सबमिट के बटन को बनाने का एक छोटा सा तरीका और भी है, जो शायद बेहतर तरीका है इस वाले से, वो है बटन, ठीक है। बटन का इटसेल्फ एक टैग मौजूद है, दोनों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तरीका। जैसे ही मैं इसको बटन बनाता हूँ ना, तो क्या होता है, आप देखें सेम उसी तरह का बटन बनवा रहा है, मैंने इस इनपुट को तो रोक दिया, ये बटन को लगा दिया मैंने भी। अच्छा, अगर ये बाई डिफ़ॉल्ट फॉर्म में अगर सिर्फ एक बटन है बाई डिफ़ॉल्ट, तो ये बटन सबमिट का बटन कंसिडर किया जाता है, लेकिन एहतियातन इसमें हम टाइप सबमिट लगाते हैं, ठीक है। हमने टाइप सबमिट क्या होता है लगाना होता है हमें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक ही बटन है ना फॉर्म में, तो उसको सबमिट बटन ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें नेम देने की ज़रूरत नहीं है, ना वैल्यू देने की ज़रूरत है इसके अंदर, क्योंकि वैल्यू इसमें यहाँ पर आ गई, और क्योंकि ये सबमिट का बटन सर्वर पर नहीं जाता, तो इसमें नेम देने की ज़रूरत नहीं होती मुझे, ठीक है। तो ये मेरा सबमिट का बटन बनाने का जो सबसे इजी, और मेरे ख्याल ये बाद में ऐड किया इन्होंने, इनपुट पहले ऐड हुआ था, ये बाद में ऐड हुआ है HTML के स्टैंडर्ड में, ठीक है जी। तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरा पेज रिफ्रेश होता है। पेज रिफ्रेश होने का मतलब क्या है कि वो इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब वो इंटरनेट पर कहाँ रिक्वेस्ट भेज रहा है, यहाँ पर जाके मैं नेटवर्क में देख सकता हूँ कि जब मैं इसको क्या करता हूँ, साइन अप का बटन दबाता हूँ, तो ये इंटरनेट पर एक रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश करता है। ये क्या जूम ज़्यादा हुई है, जूम इन ज़्यादा हुआ भाई, ठीक है। ये एक इंटरनेट में इसने रिक्वेस्ट लगाने की कोशिश की है, और एक ख़ास URL पर रिक्वेस्ट लगाई है इसने। अब वो किस URL पर रिक्वेस्ट लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जो हम नहीं इसको नहीं देखते, ठीक है। अच्छा, अब ये बात आती है कि जी मैंने यूज़र नेम नहीं लिखा, मैंने पासवर्ड नहीं लिखा, मैंने सबमिट का बटन दबाया, तो ये इंटरनेट पर रिक्वेस्ट चली गई, रिफ्रेश हो गया पेज मेरा पूरा। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि जी मुझे यूज़र नेम जब तक मैं ना लिखूँ ना, ये सबमिट करने ना दे मुझे। अच्छा, एक ये इमेज बटन है, जैसे एक तो मैंने सिंपल सा बटन बना के लगा दिया ना वहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह कोई इमेज आ जाए, इसकी जगह कोई गेंदे का फूल आ जाए, उसको क्लिक करूँ तो सबमिट हो, तो उसके लिए ये तरीका मौजूद है, ठीक है। टाइप इसके अंदर मैं, इसमें डिफरेंस किया है टाइप इमेज, और साथ में SRC दे दूँगा, ठीक है। तो इसने ये भी यहाँ पे देखो एक हरे कलर का बटन ना फोटोशॉप से शायद बना के, और उसको एज अ इमेज यहाँ पे लगाया, दैट्स इट,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसी काम को करने का एक तरीका और इन्होंने बताया है कि जी आप बटन के अंदर पहले इमेज लगा दो, फिर उसके बाद जो है वो टेक्स्ट लिख दो थोड़ा सा, तो ये ऐसे करके बटन के अंदर इमेज बनी हुई आ जाएगी। बटन बनवाएगा, बटन के अंदर इमेज आ जाएगी। इसको करके देखिएगा, करके देखने वाला आइटम है ये, ठीक है। अच्छा लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल यार रिक्वायर्ड इन्होंने कहाँ पे लिखा है, अच्छा फॉर्म वैलिडेशन में लिखा है, ठीक है। अच्छा लेबलिंग को जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी मैं आपको ज़रा ये रिक्वायर्ड बता देता हूँ एक छोटी सी चीज़ कि मैं आके ना इस पर इनपुट पे एक एट्रीब्यूट लगा दूंगा रिक्वायर्ड। अब इस पर क्या होगा कि जब तक इसमें मैं कुछ टाइप ना कर दूँ ना मुझे सबमिट नहीं करने देगा, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है मैंने, और मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ मुझे रोक देगा कि भाई प्लीज़ फिल दिस फील्ड, ठीक है। हाँ ये हर एक पर रिक्वायर्ड हम तमाम पे लगा सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड हम तमाम पे लगा सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ वैलिडेशंस हैं जो इसी बुक में आगे डिस्कस हुई हुई है, तो वो वैलिडेशन को ज़रा ख़ुद से देख लेना, और हम नेक्स्ट क्लास में ये लेबलिंग को ज़रा डिस्कस करेंगे। अभी आज की क्लास का टाइम जो ख़त्म हो गया, चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली क्लास में।